वो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का भगवान है, वो गरीबों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, वो रियल सुपर हीरो सोनू सूद है। नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मुल्का। सोशल मीडिया पर इन दिनों अगर किसी की चर्चा हो रही तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद। नेक काम करने वालों को दुनिया हमेशा याद रखती है, और फिलहाल सोनू सूद जो प्रवासी मजदूरों के लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये काम जिसे करना चाहिए वो लोग तो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देश में 790 सांसद, 4131 विधायक और 454 MLC, लेकिन किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि कोरोना काल में दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों की कैसे मदद की जाए। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर कैसे वो लोग इन प्रवासी मजदूरों की मदद कर सकते हैं। सोनू सूद तो एक अभिनेता है, लेकिन सरकार के करीब 790 सांसद, 4131 विधायक और 454 MLC जो सरकार के साथ काम करते हैं, ये लोग सरकार से मदद मांग सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचा। जिस लेवल पर सोनू सूद बिना किसी मदद के प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, वो अकेले ही इन नेताओं पर भारी पड़ गए। सोनू सूद बिना किसी स्वार्थ के इन गरीबों की मदद कर रहे हैं। इन लोगों की तरह वो सियासी रोटियां सेकने का काम नहीं कर रहे। चुनाव के टाइम पर तो ये लोग कई वादे करते हैं, गरीबों की गरीबी मिटाने की बात करते हैं, लेकिन वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। सोनू सूद एक अभिनेता है, वो चाहते तो प्रवासी मजदूरों की मदद ना भी करते, लेकिन वो इन लोगों का दर्द समझते हैं, उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो इस नेक काम को कर रहे हैं। जो काम सरकार के लोग सोच भी नहीं पाए उसे एक अभिनेता ने बड़े ही आराम से सोच भी लिया और उसे कर भी दिखाया। आज सोनू सूद के आगे ये लोग बेहद ही छोटे नजर आ रहे हैं। बता दें कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से सोनू सूद प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की मुहिम चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों को उनके घर सही सलामत भेज चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए मुंबई में स्थित अपना होटल भी खोल दिया है ताकि वो वहां आराम कर सके। सोनू सूद ये भी कह चुके हैं कि ये मेरे लिए एक भावुक सफर रहा, सड़कों पर पैदल चलकर अपने घर जाते मजदूरों को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था। मैं तब तक उन्हें घर पहुंचाने में मदद करता रहूंगा जब तक आखिरी मजदूर अपने परिवार से ना मिल जाए। कहना गलत नहीं होगा कि 790 सांसद, 4131 विधायक और 454 MLC पर वाकई में सोनू अकेले ही भारी पड़ गए।